गुड मॉर्निंग 11th क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड. सो क्लास, वी वर ऑन चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स. एंड वी हैव कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर, वेयर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कि जो हमारी प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस वो ऐसे नहीं थी. देन अल्फ्रेड वेगनर वॉज द फर्स्ट, यू कैन से इम्पोर्टेंट स्कॉलर, जिन्होंने इससे रिलेटेड अपने को एक्सप्लेनेशन दी थी कि ऑल द प्लैनेट्स दैट वी सी टुडे आर जॉइंट वर जॉइंट टुगेदर एंड द बिग लैंड वाज कॉल्ड पेंजिया एंड सारी वाटर बॉडीज भी एक थी जिसको पेंथल ऐसा बोला था. फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ जिसके कारण अलग अलग कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए एंड ही ऑल्सो गेव 5 एविडेंसेस टू प्रूव दिस पॉइंट. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड दीज मूवमेंट. ये भी हमने कर लिया था. उसके बाद इन आवर प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे आफ्टर हिज डेथ एंड ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू टाइम पीरियड, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे पीपल कुड स्कॉलर्स कुड फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड दिस मूवमेंट. एंड मेजर जो रीजंस थे इसके पीछे जो दिए हुए थे वो थे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड मैपिंग ऑफ द सी फ्लोर. से हमें बहुत कुछ पता चला अबाउट हाउ द मूवमेंट इन साइड द अर्थ अफेक्ट the upper layer of the earth, है ना? So हमने ये भी पढ़ लिया था. हमने डिटेल में इन आवर क्लास वी डिड टॉक अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग. उसके बाद हमने जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उनका इंट्रोडक्शन ले लिया था एंड वी ऑल्सो डिड टॉक अबाउट द मेजर एंड फ्यू माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स और एज वी कॉल इट एज द प्लेट टेक्टोनिक्स. इसके बारे में वी डिड यू कैन से a brief introduction and we did understand about the important major and the minor plates and unki locations ke bare mein bhi we did talk about. Okay, so today we need to talk about the three types of plate boundaries. ab jab hame plates kya hoti hain wo pata chal gaya hai, hame ye pata chal gaya hai ki major plates kya hai, minor plates kya hai. सो जो प्लेट मूवमेंट है क्या वो एक ही तरीके से होती है, अलग अलग तरीके से होती है? दैट इज ऑल्सो समथिंग वी शुड नो. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. वी हैव स्टडीड अबाउट दीज इन आवर अर्लियर क्लासेस ऑल्सो. सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन एंड अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू आवर अर्लियर क्लासेस. सो लेट अस नाउ स्टार्ट अबाउट दीज. तो थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होती हैं हमारी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म. ठीक है, so let us first talk about the divergent boundary. divergent boundary kya hoti hai? when new crust is generated as the plates move away from each other. theek hai, to jab do plates ek dusre se dur jati hai to jo molten rock hai from the mantle usme jo beech mein space hai wahan se eruption ho jata hai jiske karan kya hota hai, nayi crust ban jati hai. okay, and earthquakes that occur in these zones agar along these zones are called the spreading centers. they are very small. okay, these are few extra information you just need to understand that when the plates pull away from each other and the new crust is generated, this is basically hum bolenge jo divergent boundaries hai uske karan hota hai. ये जो साइड्स है जहाँ पे ये प्लेट्स मूव करती हैं ईच अदर से अवे, दिस इज कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड्स. ऑब्वियसली एक दूसरे से दूर हो रहे हैं इसलिए इसको स्प्रेडिंग साइड्स भी बोला जाता है. ठीक है, एंड सिमिलरली अर्थक्वेक इन जगह पे जो जोन्स पे अकर होते हैं उनको स्प्रेडिंग सेंटर्स भी बोला जाता है एंड दे आर रिलेटिवली स्मॉल. इसके एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स एज अ गिवन इन आवर बुक आर मिड अटलांटिक रिज. ठीक है, इस पॉइंट पे हम देखेंगे अमेरिकन प्लेट जो है इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन एंड द अफ्रीकन प्लेट्स. सो इफ यू हैव अ लुक एट द मैप दैट इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 35, आप उसको भी देख सकते हो एंड यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन एज वेल कि जो अमेरिकन प्लेट्स हैं यहाँ पे जो मिड अटलांटिक रिज है हमारी, दिस इज द एग्जाम्पल डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के कारण जो फॉर्म होते हैं. यहाँ पे जो अमेरिकन प्लेट्स है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन एंड द अफ्रीकन प्लेट. ठीक है, दिस इज आर यूरेशियन एंड दिस इज आर अफ्रीकन प्लेट एंड दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द अमेरिकन प्लेट. ओके, सो दिस इज अबाउट द
divergent boundaries, and I think very clearly you can see it on your screen as well. Now let us talk about the convergent boundaries. ठीक है, तो जब हम convergent boundaries की बात करेंगे तो obviously here we will see that what happens when the crust is destroyed as one plate dived under the other. Okay, so here you will see that this is totally different from the divergent boundaries. How? So actually this occurs when the plates move towards each other and they collide. So when a continental plate meets suppose an oceanic plate, to kya hota hai, jo thinner, denser and more flexible jo oceanic plate hai, wo generally sinks behind the thicker and comparatively more rigid continental plate. ठीक है, एंड दिस प्लेस या जैसे जब एक ऑब्वियसली दूसरे के नीचे से स्लाइड होगा, दिस इज कॉल्ड द सबडक्शन. ठीक है, सो सबडक्शन एक्चुअली कॉजेस डीप ओशन ट्रेंचेस. वी कैन सी इट्स एग्जांपल अराउंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. सो नाउ दिस इज द जनरल थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. नाउ लेट अस आल्सो टॉक व्हाट इज रिटन इन अ बुक. सो व्हेन द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर द under the other one, as I said, occurs when they move towards each other, collide, या एक दूसरे के एक जो continental plate है, या मतलब if there are two, as I said, एक continental है, एक oceanic plate है, तो क्या होता है, जो thinner और denser या जो flexible है, that plate actually sinks beneath the thicker and the rigid one. तो उससे क्या होता है, ये एक subduction zone create हो जाता है. The location where sinking of plate occurs is called subduction. क्योंकि इसको subduction बोलते हैं, तो ये subduction zone हो जाता है. अब जो convergence है, it can occur actually in three ways. There are three ways in which convergence can occur. These are, first is between an oceanic and the continental plate. Okay? So as I said, there are three ways in which convergence can occur. These are between an oceanic and the continental plate, the second is between the oceanic plates, and third is between the continental plates. So here we'll understand very simple ki ya to oceanic or continental plate ke beech mein hua hai ye movement, theek hai, ye jo convergent boundaries hai, ya fir do oceanic plates ke beech mein, ya fir do continental plates ke beech mein. So whatever happens here, we need to just understand that generally क्या होता है कि जो thicker जो denser वाली plate होती है, it sinks beneath the thicker one. Okay, so चाहे whichever plate it is, we will just notice कि the denser one and the more flexible one sinks beneath the thicker one. Okay, ऐसे करके होता है, and इससे अलग अलग हम बोलेंगे landform जैसे form. And as I said, there are many things and many changes that we may see around this. Or similarly, जैसे divergent में हमने देखा था, वैसे ही हम देखेंगे कि subduction जो है, उसमें deep ocean trenches form हो जाते हैं. For example, South America का जो west coast है, उसके अलावा. ठीक है? So here we have understood about the convergent boundaries. अब हम बात कर लेते हैं about the transform boundaries. तो जब हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की बात करते हैं, ये क्या होता है, इसमें ना तो क्रस्ट इज ईदर नीदर रिड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, मतलब वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट. बेसिकली द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म, या उसको फॉल्ट वाली एक एरिया होती है. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होते हैं, वो प्लेन्स हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं प्लेन्स ऑफ सेपरेशन, जनरली परपेंडिकुलर टू मिड ओशनिक रीजन. मतलब हम देखेंगे जनरली ये फॉल्ट वहां होती है, वो प्लेन एरिया जो बेसिकली सेपरेट होती है, द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली मिड ओशनिक रीजन से पैरेलल होती है. ठीक है, एंड एज द इरप्शन डू नॉट टेक अलोंग ऑल अलोंग द एंटायर क्रस्ट एट द सेम टाइम, differential movement of the portion of the plates away from the axis of the earth. So hum dekhenge ki yahan pe ek nayi cheez hai, because hame pata hai pura movement to aise nahi ho raha, they are just sliding each other.
So here we'll see that as the eruption jo hai, volcanic eruption, that does not take all along the entire crest at the same time. So differential movement ho jayega jo plates hain. Because of this occurrence, whatever is occurring beneath the earth, iske karan changes ho jayenge on the surface of the earth. But movement jo hai differential hoga, ekdam uniform nahi hoga. इसके अलावा ऑल्सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज इट्स इफेक्ट ऑन सेपरेटेड ब्लॉक्स ऑफ द प्लेट पोर्शन, यानी कि जो प्लेट की मूवमेंट्स है दे आर नॉट ओनली समवेयर डिसाइडेड बाय ओनली द इंटरनल जो चेंजेस है, बट इसके अलावा जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ वगैरह जो है दिस ऑल्सो इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट पोर्शन. सो बेसिकली अगर हम इसका भी एग्जाम्पल देखें, सो वी विल सी बेसिकली कि देयर इज अ प्लेस San Andreas fault, which is actually a example of lateral plate motion. Lateral मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? Transform boundaries. So this is, as I said, San Andreas fault in California, which is an example हम बोल सकते हैं कि transform boundaries. तो हमने देख लिया है तीन टाइप के मूवमेंट्स, डाइवर्जेंट जिसमें न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड बिकॉज प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और इसमें कन्वर्जन में क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड क्योंकि वन स्लाइड्स डाउन द अदर, सबडक्शन जोन पढ़ा है हमने इसमें. और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, एक ना क्रिएट होती है ना प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय होती है बिकॉज स्लाइड पास ईच अदर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, ये हमारी तीन जो बाउंड्रीज हैं वो हो गई. Let us now talk about the rate of the plate movement. Now, when I'm saying that these plates move, the first and the obvious question that may come across your mind is that, तो हमें feel क्यों नहीं होता ऐसी movement हो रही है तो? इतनी बड़ी-बड़ी plates move कर रही हैं, and we are studying कि ये crust के ऊपर हैं, lithospheric plates हैं. Why don't we feel them? Because the movement is really slow. So let us now understand about the rates of plate movement. Now class, just focus on what I'm saying here and you will be able to understand what we are talking regarding the movements. A very simple and you can say easy topic. जो हम देखते हैं कि जो हमारी plate movement है, this depends again on various things. जैसे normal है या जो magnetic field है mid oceanic ridges के around, वो नॉर्मल है या रिवर्स है, उल्टा है. तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्लेट मूवमेंट और जितना भी द वे इन विच द प्लेट मूव्स, रीजन बिहाइंड इट, उसको स्टडी करके मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मोल्टन मैग्मा के ऊपर ये क्या हो रहा है, इट इज फ्लोटिंग, एंड द सेकेंड ऑफ ऑल कि बहुत सारे और फैक्टर्स विल एड ऑन टू द मूवमेंट. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो साइंटिस्ट इसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट इज द रेट एट विच द प्लेट्स मूव. अगेन ये नहीं है कि एवरीवेयर सेम है, वेरी करेगा. सबसे स्लोएस्ट रेट पे जो रिज मूव करता है वो हमारा है आर्कटिक रिज वाली एरिया, विच इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर. जस्ट इमेजिन such a big plate and moving only 2.5 centimeter per year. You have your scales, usme we have 1 centimeter divisions. So usme aap dekhoge only this much movement in one year, not in a few days or few months or maybe a few, you can say weeks. Kuch dinon ki baat nahi hai, not in few, not we are talking about ki kuch din mein itna movement hai, in a year. अगर हम ईस्ट पैसिफिक राइज की बात करें, नियर द ईस्टर्न आइलैंड इन साउथ पैसिफिक, बेसिकली एरिया 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिली है, इसकी फास्टेस्ट रेट है, विच इज फास्टेस्ट भी कितनी है, ओनली 15 सेंटीमीटर पर ईयर. ठीक है, आर्कटिक रिज की स्लोएस्ट है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, और ईस्ट पैसिफिक राइज जो है उसकी फास्टेस्ट है, वो जो ईस्टर्न आइलैंड साउथ पैसिफिक के अराउंड जो है वो है मोर देन अराउंड 15 सेंटीमीटर पर ईयर. तो ये हमारी रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट हो गई. अब हम पढ़ लेते हैं फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट. ठीक है, व्हाट आर द फोर्स बिहाइंड दिस मूवमेंट, दो वी हैव डिस्कस्ड देम ब्रीफली, बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम इन स्पेसिफिक एंड इन डिटेल.
एट द टाइम दैट वैगनर प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि अर्थ इज अ सॉलिड एंड मोशनलेस बॉडी, इट डज नॉट मूव, ठीक है, बट ऑब्वियसली जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला हुआ, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी हुई, तब हमें पता चला कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है एंड इंटीरियर ऑल्सो स्टैटिक नहीं है, मोशनलेस नहीं है, डायनेमिक है, ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है, दे आर नॉट मोशनलेस, दे आर डायनेमिक. तो ये फैक्ट कि अब पता चल गया हमें कि प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं, और बेसिकली हम देखेंगे द मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट्स इज बिलीव टू बी मूविंग इन सर्कुलर मैनर. नाउ इट इज बिलीव कि ये जो हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो रॉक्स हैं जिसको हम बात करें कि दे आर मूविंग इन रिजिड प्लेट्स के नीचे, ऐसा माना जाता है कि दे मूव इन विच मैनर या कौन से डायरेक्शन में, सर्कुलर मैनर. जो हीटेड मटीरियल है दे राइज टू द सर्फेस, स्प्रेड एंड बिगिन टू कूल एंड देन सिंक बैक इन टू डीपर डेप्थ. दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर टू जेनरेट वॉट साइंटिस्ट कॉल कन्वेंशन सेल और कन्वेक्टिव फ्लो. हमने पहले भी पढ़ा है क्लास, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. क्या होता है वेन एवर समथिंग इज वेरी हीटेड अप और वेरी यू कैन से हॉट, तो इट जनरली ऑब्वियसली राइजेज अप और स्प्रेड आउट हो जाता है. अब जब वो ऊपर आ गया है तो वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा. नीचे वी नो लॉट ऑफ हीट एंड प्रेशर के कारण चीजें जो है कंपेरेटिवली हॉट होती हैं, लिक्विड स्टेट में होती है, तो ऊपर आएगा तो कूल हो जाएगा, ठीक है, इट विल राइज टू द सर्फेस, इट विल स्प्रेड एंड इट विल कूल. अब जब वो कूल हो गया और ठंडा हो गया, वो वापस नीचे की साइड सिंक करेगा और वापस से वही चीज वापस हीटेड अप होके ऊपर आएगी, फिर से कूल होगी, फिर से नीचे जाएगी. तो ये क्या हुआ, एक साइकिल जनरेट होती जा रही है, एक साइकिल क्रिएट हो रही है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन सेल या कन्वेक्टिव फ्लो, ठीक है. इफ यू ऑल रिमेम्बर एज आई सेड, हमने पढ़ा था अबाउट दिस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, वी विल जस्ट कम बैक टू दैट पिक्चर एंड यू कैन रिलेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, जस्ट लेट मी गेट बैक टू दैट स्लाइड. So here as I said, आप देखोगे कि जो आपकी hot जितना भी portion है that will come up and it will cool down and then after cooling down obviously what will happen that it will sink in and when it will sink in again it will go to the deeper depths. और फिर ये देखो this as you can see circular motion में move हो रहा है यहाँ पे and see this again this movement. This was an example I explained you कि वाटर कैसे हम नीचे से हीट करके भी ऊपर हीट अप हो जाते हैं. सिमिलर इज द थिंग दैट इज अकरिंग है. तो आप देख सकते हो कैसे मूवमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, एक साइक्लिक वे में है एंड दिस इज दैट इज व्हाई कॉल्ड द साइकिल व्हिच इज कन्वेक्टिव ऑफ कन्वेक्टिव फ्लो. नाउ इसी से देखें अगर हम रिलेटेड, हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेस. कौन से दो मेन सोर्सेस से आता है, एक तो है रेडियो एक्टिव डीके और दूसरा है रेजिड्यूअल हीट. ओके, सो वी नो दैट रेडियो एक्टिव, हमने पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ सर्टन हीटिंग अप ऑफ थिंग्स देयर आर सर्टन थिंग्स दैट स्टार्ट अप बिकॉज ऑफ द हीटिंग, और उसको हम रेडियो एक्टिव एमिशन जो होती है, देयर आर सर्टन वेव्स दैट आर मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हीट जो है वो जेनरेट होती है. तो उससे हमने देखा था कि किस तरीके से, अगेन हम इसी के रिलेटेड स्टडी करके बहुत ज्यादा और पता कर सकते हैं. हमने पढ़ा था दैट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये रेडियो एक्टिव को स्टडी करना अपने लिए इजी हो गया था. तो ये बिकॉज एवरी एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू हैव सर्टेन कार्बन कंटेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो डीके होता रहता है, और रेजिडुअली हीट रेजिडुअल बची हुई जो हीट होती है उसको रिसर्च वर्क करके उसके बारे में पता किया जाता है अबाउट दिस मूवमेंट एंड अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और कैसे सारी चीज फॉर्म होगी. तो आर्थर होम्स जो है ही फर्स्ट कंसिडर दिस आइडिया इन 1930s विच लेटर इन्फ्लुएंस हैरी हैज थिंकिंग अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग. हमने पूरा पढ़ा है कि आर्थर होम्स जो है उन्होंने सबसे पहले कन्वेंशन सेल से रिलेटेड आइडियाज दिए थे, इस पे रिसर्च वर्क किया था, उसके बाद
हैरी हेस ने सोचा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं एंड उससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल गई अबाउट दिस प्लेट टेक्टोनिक्स एंड देयर मूवमेंट. सो स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट softened mantle which lies below the rigid plates is the driving force behind the plate movement. To sum up, hame itna pata chal gaya hai as I basically pointed at this slide just few minutes back. Aap dekh rahe ho upar jaise usme floating structures the, when water gets heated up we saw that. I'll just show you the slide again and it will be a kind of revision for us. If we imagine in this slide ki jo wooden blocks hai ye apni plates hain aur niche wala jo ye convection heat ke karan kya hota hai, this movement is continuously going on. To ye move hota hai, kya cheez move hoti hai, jo lithospheric plates hai jiske karan sara ye jo hamare yahan pe aap dekh sakte ho is figure mein similar way mein heat aur cooling ke karan plate movements hote hain aur certain structures bante hain. चाहे वो प्लेट्स का ड्रिफ्टिंग के कारण हो, एक दूसरे से डाइवर्ज होने के कारण हो, कन्वर्ज होने के कारण हो या ट्रांसफॉर्म होने के कारण. ठीक है. सो एज आई सेड व्हेन वी अंडरस्टैंड फाइनली हियर वी कैन क्लियरली से दैट द फोर्स बिहाइंड दीज टेक्टोनिक प्लेट्स इज दिस हॉट और सॉफ्टन मेंटल दैट लाइज बिलो दिस रिजिड प्लेट्स एंड इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट. ठीक है. So this is what finally we have come across. जो movement को ठीक से इससे पहले express नहीं किया जा सकता था या explain नहीं किया जा सकता था, that is what we have understood in a better manner. कि क्या force है behind this movement of plate tectonics, and this is basically the hot slow movement of the hot softened mantle that lies below the rigid plates is the main driving force behind the plate movement. ठीक है. So this is telling us about the whole plate movement and its details. theek hai. ab now we come across our last topic. jab hum bar bar bolte hain ki plate indian plate ki plate tectonics se ye hota hai, landforms form hote hain, continents form hote hain, oceans ki is type se separation hoti hai ya aise aise divisions hui hai, isi ko we study in detail talking about india only. theek hai. I will suggest you all to have a look at page number 37 in your book, जिसमें हमारे इंडिया के पूरे मूवमेंट के बारे में बताया हुआ है. ठीक है. एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगेन थ्रू द टोटल मूवमेंट जो हमारे इंडिया का हुआ है, जिसके कारण फाइनली आज जो हमारी इंडिया की लोकेशन है वो उस तरीके से है. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड जो इंडियन प्लेट है उसमें इंक्लूड होता है एक तो पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल के कुछ पार्ट्स. हम देखेंगे जो सबडक्शन जोन है, हमने पढ़ा था सबडक्शन जोन का, सबडक्शन जोन कब आती है, कन्वर्जन बाउंड्रीज के टाइम पे. सो सबडक्शन जोन जो है अलोंग द हिमालयन फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्रीज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जन. यानी जो हमारे हिमालय वाला जो एरिया है, दिस इज द इसी के अराउंड हमारा सबडक्शन जोन है. नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्रीज फॉर्म करता है ये इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस. अगर हम इंडिया के मतलब इस ईस्ट की साइड पे देखें तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रकिनयोमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार. ठीक है. ईस्ट में अपने म्यांमार है, टूवर्ड्स द आईलैंड ऑफ आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच. अब देखो जो हमारी ईस्टर्न मार्जिन्स है वो कहाँ से कहाँ है, इट लाइज दिस जो हमारी ईस्टर्न मार्जिन है स्प्रेडिंग साइट लाइज टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशनिक रीजन साउथ वेस्ट पैसिफिक. वेस्टर्न मार्जिन इंडिया की बात कर लेते हैं, किरथार माउंटेन्स पाकिस्तान में और आगे एक्सटेंड करता है ये मकराना कोस्ट और रेड सी रिफ्ट वाली जो एरिया है वहां तक स्प्रेड करता है अलोंग अ प्लेस कॉल्ड चागोस आर्किपेलागो. अब जो हमारी बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिक प्लेट, इंडिया और अंटार्कटिक प्लेट की बाउंड्री में आप देखोगे एक ओशन रिज है डाइवर्जेंट बाउंड्री वाली, जो कौन से डायरेक्शन में रन करती है, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, एंड इट मर्जेस इनटू द स्प्रेडिंग साइट अ लिटिल साउथ ऑफ
New Zealand we know is near Australia. Ab dekho, I'll just show you this through a picture and it will become clear to you. अगर आप इसी इंडिया वाली प्लेट को देख लो, या फिर आप, हमने एक और यहाँ पे देखी थी इंडिया के अकॉर्डिंग, ये तो पूरा पुराना फॉर्मेशन है इंडिया का. अब हम देख लेते हैं प्लेट्स के अकॉर्डिंग. आई विल रिपीट इट, जस्ट फोकस ऑन द प्लेट्स, सो इफ यू डोंट हैव टू देन मग अप, यू विल जस्ट रिमेम्बर. अगर आप देखो, जो हम इंडियन प्लेट की बात करें, इसमें पेनिनसुलर इंडिया वाला हिस्सा है और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट वाला भी हम देखेंगे. कॉन्टिनेंटल पोर्शन है, सबडक्शन जोन along with Himalayas, जो नॉर्दर्न प्लेट्स कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस फॉर्म करता है. इस साइड को देखो, एक अपना म्यांमार की बाउंड्री है ईस्टर्न साइड को. यहाँ पे एक माउंटेन्स है, रकिन योमा माउंटेन्स, ठीक है. ईस्टर्न मार्जिन जो है, इट इज स्प्रेडिंग, देखो ऑस्ट्रेलिया की साइड से साउथ वेस्ट पैसिफिक वाले एरिया. और अगर हमारे वेस्टर्न साइड पे आप देखोगे, पाकिस्तान वाला एरिया है. एंड देन उसके बाद ये आगे और किससे ज्वाइन है, मरकाना कोस्ट, जो कि रेड सी के साइड तक अपना यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, टू अ प्लेस कॉल्ड चागोस आर्किपेलागो. जो हमारा बाउंड्री है इंडिया और अंटार्कटिक प्लेट, जस्ट फोकस ऑन द अंटार्कटिक प्लेट नीचे की साइड. बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिक प्लेट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय ओशनिक रिज विच रन्स इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, एंड जाके आगे वो न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की साइड चला जाता है, ठीक है. ये तो हो गया प्लेट के वाइज अपनी जो लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो. अब हम आगे बढ़ते हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर इंडिया नाउ. यहाँ पे हम देखेंगे, इंडिया एक्चुअली है ना एक बहुत लार्ज आइलैंड था, विच वॉज सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट. ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के बेसिकली उसके अराउंड ही ये हमारा क्या था, लोकेटेड था वास्ट ओशन में. और वास्ट ओशन, इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने पढ़ा था डेड सी था. डेड सी जो है वो सेपरेट करती थी हमारे एशियन कॉन्टिनेंट को टिल अराउंड 225 मिलियन ईयर्स अगो. तो ऐसा माना जाता है इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड द नॉर्थवर्ड जर्नी अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो एट द टाइम व्हेन पेंजिया ब्रोक. नाउ वी विल कम बैक टू दैट मैप, द बिगर वन जो ग्लोब में दिखाया हुआ, और अपने ज्यादा समझ आए. इंडिया कोलाइडेड विद एशिया अबाउट 40-50 मिलियन ईयर्स अगो, जिसके कारण हिमालयस फॉर्म हुए. तो जो पोजिशन ऑफ इंडिया है 71 ईयर्स से वो ऑलमोस्ट हम देखेंगे चेंज हुई है बहुत. देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यूरेशियन प्लेट कैसे मिले थे, अबाउट 140 मिलियन ईयर्स अगो हम देखेंगे हमारा जो सब कॉन्टिनेंट वॉज लोकेटेड साउथ ऑफ 50 डिग्री साउथ. दो मेजर प्लेट जो सेपरेट थी डेड सी से और तिब्बतन ब्लॉक से, अब वॉज क्लोजर टू एशियाटिक लैंडमार्क. जब पूरा इंडियन प्लेट की मूवमेंट हुई थी टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, अ मेजर इवेंट दैट अकर्ड वॉज आउटपोरिंग ऑफ लावा, जिसके कारण क्या हुआ था, डेक्कन ट्रैप फॉर्म हो गया था. यानी जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो बहुत बड़ा इरप्शन हुआ था, आउटपोरिंग ऑफ लावा हुआ था, जिसके कारण डेक्कन ट्रैप फॉर्म हो गए. हम हमेशा बोलते हैं ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया. लार्जेस्ट समवेयर हम देखेंगे 60 मिलियन के अराउंड ये सब स्टार्ट हुआ, और फिर बहुत लंबे पीरियड तक चला. देन हम देखेंगे कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है मूव करते करते अभी भी थोड़ा इक्वेटर के पास है, अराउंड 40 मिलियन ईयर्स अगो फिर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुए. और साइंटिस्ट अभी बिलीव करते हैं दैट इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड द हाइट ऑफ हिमालयाज इज राइजिंग इवन टिल टुडे, ठीक है. सो एज आई सेड, वी जस्ट हैव अ लुक एट दिस थ्रू द वर्ल्ड मैप जो अपना ग्लोब पे दिखाया हुआ है, और अपना इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. और अपने इंडिया की मूवमेंट की बात करते, ठीक है. सबसे पहले इसमें तो और बहुत पहले से दिया हुआ है. इनिशियली हम देखेंगे कि अगर 225 मिलियन ईयर्स के अराउंड की बात करें, तो इंडिया ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दी थी टूवर्ड की, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की साइड पे, ठीक है. पेंजिया इस टाइम पे ब्रेक हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है. इंडिया अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. फिर हम देखेंगे कि इंडिया कोलाइडेड विद एशिया अबाउट
40 to 50 million years ago, ठीक है, 40 to 50 million years ago के इंडिया जो है मूव करने लग गया था ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में. एंड उसके बाद, इसी के बाद हमारा हिमालय फॉर्म हुआ था, जब एशिया और वो पोर्शन यहाँ पे जब ऑब्वियसली कोलाइड हुए था. अब देखो, इट ऑल्सो शोज, हम देखेंगे अगर 140 मिलियन ईयर्स यहाँ पे बात कर लेते हैं, 120 मिलियन कहना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा लोकेटेड था 50 डिग्री साउथ की साइड. यहाँ देखो, इंडिया इज 5, दिस इज 5, साउथ पे लोकेटेड है. मेजर प्लेट्स जो सेपरेट कर रही थी इसको, टेट सीको और तिब्बतन ब्लॉक के हमारे बीच में. और उसके बाद मूवमेंट हुआ इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ. जब ये मूवमेंट हुआ ना इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ, तब क्या हुआ, बहुत आउटपोर हुआ, डेकन ट्रैप फॉर्म हो गया. फिर 60 मिलियन ईयर्स के अराउंड आप देखोगे कि क्या हुआ, कि समवेयर हम देखेंगे ये जो पूरा चीज है डेकन ट्रैप वगैरह, ये कंटिन्यू होता रहा. फिर उसके बाद अभी तक फिर भी इक्वेटर के पास था 14 मिलियन ईयर्स अगो तक, और फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुई. और साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आज जो हमारा ये पोर्शन है, अभी स्टिल इट इज चेंजिंग बिकॉज हिमालय आर स्टिल राइजिंग टिल दिस डे. ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी एक क्लास डायग्राम दिया हुआ पेज नंबर 37 पे, प्लीज लुक एट दैट मैप ऑल्सो एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट कैसे इंडिया का मूवमेंट हुआ है एंड हाउ दिस द होल फॉर्मेशन ऑफ दिस इंडियन प्लेट टेक प्लेस एंड कैसे आज जो हमारी इंडिया की प्रेजेंट लोकेशन है वो ऐसी है एंड स्टिल ऑल द प्लेट्स आर मूविंग. सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट. हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत नई चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर में. वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्यों सही है ये, क्यों वैगनर क्यों प्रूव नहीं कर पाए थे. फिर नई टेक्नोलॉजी के साथ कन्वेंशनल करंट थ्योरी, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर्स, और क्या ये अपने को बताते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, मेजर माइनर प्लेट्स क्या है. फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि क्यों ये मूव करती है, रीजन द टाइप ऑफ डिफरेंट जो बाउंड्रीज है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था. एंड फोर्स बिहाइंड द प्लेट टेक्टोनिक की जो ये मेंटल है सॉफ्ट पोर्शन ये मूव करता है, दिस इज द मेन रीजन. एंड फाइनली हमने डिटेल में पढ़ लिया था अबाउट आवर इंडिया कैसे फॉर्म हुआ था और फाइनली कैसे हिमालयाज राइज हुए एंड अभी भी there is a rise that can be seen in the Himalayan areas. ठीक है, so with this we complete and remember always it is changing. और इतने सारे changes होने के बाद ही current हमारा जो India या पूरे world में location इस type से ocean और continent का. ठीक है, so I suppose whatever we have done is clear to you people. If you have any doubt relating to whatever we have done today, do come back with your doubts and we will discuss and solve. Okay, so meet you all in the next.